अपन आज थोड़ा सा मैट्रिमोनियल्स के अलावा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं अपन, है ना। ओके सर। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। गुरुजी आज 2 नवंबर है ना। हाँ यार, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं एक आपके सामने। यू प्रपोज टू सेल योर हाउस एज यू आर गोइंग अब्रॉड। सर सेल और ओवर के बीच में गैप दो ना। हाँ बिल्कुल, गुरुजी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम। ऑफ ए न्यूज पेपर। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। यस सर। वही आपको डिटेल देनी है, आपको अपना मकान बेचना है। अब इसमें लिखा है कि क्योंकि आप जा रहे हो बाहर, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? आपको ये नहीं लिखना है कि आप बाहर जा रहे हो। ये तो कुछ बातें लिखी जाती हैं जिससे कि आप समझो चीजों को थोड़ा सा। तो अपन अब यहां पर एक वही तरीका है इसका कि अपन एक बॉक्स बना लें ठीक है। ये हमने एक बॉक्स बना लिया, मकान अपने को बेचना है। तो सबसे पहले तो अपन यहां पर अपना एक हेडिंग डाल देंगे कैपिटल लेटर्स में, हाउस फॉर सेल। ठीक है भैया, यस सर। ये अपन ने डाल दिया इसके अंदर। एक जैसे उसमें अपन ने क्या डाला था, ब्राइड या ब्राइड ग्रूम डाला था अपन ब्राइड ग्रूम। यस सर। ने। अब इसमें अपने को जब डालना है तो अपने को मकान की थोड़ी डिटेल देनी है, मकान का साइज बताना है ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख दीजिए टू सेल ए वेल फर्निश्ड हाउस। ठीक है भैया, ओके अब उसकी आप साइज लिख दीजिए, 200 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है, साइज दे दिया आपने। ठीक है भैया, सर। और वेल फर्निश्ड में सब कुछ आ गया। और आप और लिख दीजिए, और अपने मकान के बारे में बता दीजिए, 2 BHK, 2 BHK। क्लियर हो गया। और आप कुछ डिटेल देना चाहें तो दे दीजिए, 2 lets एंड
बाथ्स, अच्छा ठीक है। और आप बता दीजिए, पार्किंग भी अवेलेबल है तो बता दीजिए, पार्किंग, वाटर टैंक भी हो सकता है, वाटर टैंक, ठीक है। और आपको क्या बताना है, और कुछ आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। गार्डन, गार्डन भी है अपने, वैसे तो 200 स्क्वायर यार्ड्स का तो कोई ज्यादा नहीं होता, पर फिर भी आप गार्डन की जगह लॉन लिख सकते हैं, लॉन, LAWN, ठीक है भैया। और आप क्या बता सकते हैं अपने बारे में, और कोई मकान के बारे में कोई जानकारी आप दे सकते हैं। वैसे तो वेल फर्निश्ड में आ गया है सब कुछ, कहाँ है, कुछ फेसिंग वगैरह भी देखते हैं लोग, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग हो गया। और आप क्या लिख सकते हैं, दो मंजिल का है तो 2 स्टोरीड, ठीक है। अब ये है कहाँ, या फुल स्टॉप लगा सकते हो यहां पर, लोकेटेड कहाँ, बताएं आप इसको, लोकेटेड आप कोई भी जगह लिख सकते हो, इन जगतपुरा, लोकेटेड इन जगतपुरा, नियर, कोई भी जगह का नाम लिख दो आप, CBI फाटक, ठीक है भैया। सर ये हो गया आपका। और क्या देंगे आप, प्राइस लिख सकते हो आप, प्राइस कितनी, प्राइस मानते हो आप, 50 लाख, 50 लाख ठीक है भैया। सर कांटेक्ट नाम लिख सकते हैं आप, किसी भी पर्सन का नाम लिख दीजिए, क्या नाम लिखा जाए, शंकर लाल, शंकर लाल, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, मोबाइल, मोबाइल नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए, 8756755432411, कितना हुआ, ज्यादा हो गया क्या, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, अब देखो गया हो गया। सर यस ये इस तरीके से आप डिटेल, कुछ फिक्स नहीं होता है, ये आपको अपने हिसाब से डिटेल लिख सकते हो आप। क्लियर हो गई मेरी बात आपको, यस सर एक और क्वेश्चन अपन लिख लें, है यस सर ना, एक और अपन क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स वाला ले लेते हैं थोड़ा सा अपन, है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, DK इंटरनेशनल स्पेलिंग पे ध्यान रखना, है ना, इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट, फॉर द स्कूल, फॉर द स्कूल, राइट ए, सॉरी, एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द
एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द लोकल कॉलम। हाँ, एक ही बात है वो, ठीक है ना, ऑफ द लोकल न्यूज पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स ड्राफ्ट तो ऊपर आ गया ना। नहीं कोई बात नहीं, चलो छोड़ दीजिए इसको, इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। वैसे तो वर्ड लिमिट 50 की होती है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, इस पे बहुत ज्यादा आपको चिपक के नहीं रहना है, थोड़े बहुत कम ज्यादा हूं तो हो जाने दो। अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार इसको, जब तक मैं टेबल बना लेता हूँ, मतलब बॉक्स बना देता हूँ मैं, जब तक आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को। बेटा पॉल्यूशन करवा लिया गाड़ी का, मैसेज कैसे नहीं आया मेरे पास। चलो अब देखिए, यहां पर आपने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डीके इंटरनेशनल इज लुकिंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट, है ना, इस फर्म का नाम है, मतलब जो भी संस्था है उसका नाम है डीके इंटरनेशनल, उसको एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए स्कूल के लिए। तो आपको किसकी तरफ से लिखना है, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब तरफ से, आपको डीके इंटरनेशनल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसकी तरफ से ये एड लिखना है, जरूरी डिटेल आपको देनी है, और आपको चाहिए कौन, रिसेप्शनिस्ट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट समझते हो ना आप, समझते हो क्या? यस सर, वो सर रिसेप्शन पे जो बैठ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए अपने का अपना जो टाइटल आएगा वो क्या आएगा, भी जगह खाली है कहीं पर, तो अपन क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट। क्लियर हो गया? अब सिचुएशन वैकेंट में अपने को अपने बता दिया कि भी जगह खाली है रिसेप्शनिस्ट की, अब क्या लिखेंगे आप, वांटेड ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट, ठीक है ना, फॉर द स्कूल, ठीक है। चाहो तो पूरा सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हो, पूरे सेंटेंस के रूप में भी आप इसको लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसी, अपने को तो वैसे भी लिख सकते हो आप, द कैंडिडेट मस्ट बी, कैसा होना चाहिए कैंडिडेट, सबसे पहली बात तो वेल बिहेव्ड होना चाहिए, क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट होता है ना उसको
बहुत तरीके के लोगों से, हर तरीके के लोगों से बात करनी पड़ती है, तो उसको एक तो अच्छे व्यवहार का होना चाहिए, ठीक है? और क्या होना चाहिए? अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, स्वीट स्पोकन, ये नहीं अक्खड़ भाषा में बोले। और कैसा होना चाहिए उसको? ब्यूटीफुल होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? और बताइए, उसकी क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हो आप। वेल एजुकेटेड। एजुकेटेड में कितना? ग्रेजुएट मान लो आप। ग्रेजुएट, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड नहीं, ग्रेजुएट। ओके सर। विद इंग्लिश बैकग्राउंड, इंग्लिश विद साउंड इंग्लिश बैकग्राउंड कर दो आप, विद साउंड इंग्लिश बैकग्राउंड, ठीक है भैया? और क्या होना चाहिए? और भी कुछ लिख सकते हो आप? और क्या होना, एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। टू इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है? एज ए रिसेप्शनिस्ट। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना? ये क्यों आ रही है समझ में नहीं आ रहा। एज ए रिसेप्शनिस्ट, ठीक है? और काफी है, ठीक है ना? कब तक आ जाना चाहिए, किसको आ जाना चाहिए, किसके पास आ जाना चाहिए, लास्ट डेट भी डालनी पड़ेगी ना आपको एप्लीकेशन की, है ना? यहां पर लिख दीजिए आप कॉन्टैक्ट बाई, कोई भी डेट डाल दीजिए आप, 6 नवंबर, टू द एडमिनिस्ट्रेशन कुछ गलत कर दिया क्या? एडमिनिस्ट्रेशन, गलत हो रहा है ना, आप लोग बहुत देख भी नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेशन सर, आपने देख ही लिया था। ऑफिसर हो गया, यस सर, बस हो गया। देखो कुछ रह गया क्या, एक बार चेक जरूर करना चाहिए। वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल, द कैंडिडेट मस्ट बी वेल बिहेव्ड। आपको एड्रेस तो लिखना पड़ेगा ना अभी, नहीं तो भूल ही गए अपन। वेल बिहेव्ड, स्वीट स्पोकन, ब्यूटीफुल, ग्रेजुएट विद साउंड इंग्लिश बैकग्राउंड, 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए रिसेप्शनिस्ट, कॉन्टेक्ट बाय 6 नवंबर 2020 टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है ये? आपको जगह का नाम लिखना पड़ेगा ना, डी के इंटरनेशनल, इंटर नेशनल, एड्रेस भी देना पड़ेगा। अरे यार, इंटर इंटरनेशनल, कोई भी जगह का नाम दे दीजिए आप, बोलिए। जगतपुरा, रामनगरिया, रामनगरिया, जगतपुरा, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर। क्लियर हो गया?
समझ में आया? यस सर ओके थैंक यू। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई बिजनेस है, मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं हॉबी क्लासेस चलाता हूं, ठीक है ना? क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? यस सर हाँ। तो अब आप उसके लिए एक आप दे सकते हो, किस तरीके का पेपर में ऐड आता है, ये तो अलग इस तरीके के हो गए। अब मान लीजिए अपन एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर, यू वांट टू स्टार्ट, यू वॉन्ट टू स्टार्ट 6 months इंग्लिश यू वॉन्ट टू स्टार्ट 6 months इंग्लिश स्पीकिंग, बेसिक इंग्लिश कर दो, यू वॉन्ट टू स्टार्ट 6 months बेसिक इंग्लिश क्लासेस क्लास, ठीक है भैया? हो गया? राइट यस सर एन एडवर्टाइजमेंट विद फुल डिटेल्स मेंशन टाइमिंग्स फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है भैया? क्लियर हुआ? यस सर समझ में आ गया आपको? यस सर। अब जैसे मान लो मेरा इंग्लिश का कोचिंग है ना, और मेरे को इसके लिए क्या करना है, एक ऐड देना है कि भाई मैं 6 महीने का बेसिक इंग्लिश की क्लासेस हम चालू कर रहे हैं, और उसके लिए हम एक ऐड दे रहे हैं, हमें जो जरूरी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें देनी है इसमें, है ना? कब शुरू कर रहे हैं, क्या टाइमिंग रहेगा, कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो? तो अब देखिए मैं एक आपको बताता हूं, यहां पर एक टेबल बनाते हैं पहले अपन ऐसे, हालांकि इस तरह के जो एड में बता रहा हूं ना आपको, ये काफी महंगा होता है, पर कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए, कमाई होगी तो महंगा एड भी दिया जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये अपन ने एक यहां पर बॉक्स बना लिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपना क्लासेस की जो मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम यहां पर लिखूंगा, रामबाण इंग्लिश ऑनलाइन इंटर ऑनलाइन लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस, ठीक है भैया? हो गया? ये मैंने एक लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए, एक तरह का नोटिस ही है ना, क्या लिखूंगा मैं बताओ, क्या लिखूंगा बोलो। बेसिक इंग्लिश क्लास,
ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे हम इसके आगे? स्टार्टिंग ए न्यू बैच फोर फोर, क्या क्या करवाएंगे इसमें? स्टार्टिंग ए न्यू रीडिंग बैच फोर इंग्लिश, स्पीकिंग हाँ इंग्लिश, रीडिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, हाँ रीडिंग राइटिंग, रीडिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग लिसनिंग। लिसनिंग ठीक है, यस यस सर स्टार्टिंग ए न्यू बैच फॉर इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग एंड लिसनिंग, फुल स्टॉप लगा दिया। स्टार्ट्स ऑन, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो यार, देखो ऐसा है, समझ रहे हो मेरी बात को आप? यस सर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इसमें फिक्स नहीं है। देखो मैं आपको क्लियर बात बता दूं, स्टार्ट्स ऑन, इसको सेंटर में ले आओ आप, ये लो, ये तो आपके ऊपर है आप कैसे इसको डिजाइन करना चाहते हो। स्टार्ट्स ऑन 26 नवंबर 2020 एट 3 PM। पीएम क्लियर हो गया सर, सर 4 PM तक ऐसे नहीं होगा, 2-4 PM। ना कोई जरूरत नहीं, इतने बजे शुरू कर रहे हैं हम बस, ओके सर। ठीक है ना? और अपन क्या लिख सकते हैं, और अपन क्या लिख सकते हैं, लास्ट डेट, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, कितनी डेट मानते हो आप इसकी? 24 24 मान लो आप, ट्वेंटी तो बोल दिया ना, फोर वो आदमी बैठ रहे सामने वाले नवंबर सामने वाले नवंबर सामने नहीं बना दो 2020। 2020। चलिए और क्या आना चाहिए? कुछ लोएस्ट प्राइस, प्राइस नहीं होती है, फीस लिखो आप। फीस प्राइस क्या होती है, कुछ चीज थोड़ी बेच रहे हैं, फीस। ठीक है ना, फीस कितनी फीस है आपकी? नहीं, 600 रुपीज पर मंथ है ना, रुपीज सिक्स हंड्रेड पर मंथ मंथ मंथ। आप चाहो तो पी में, पी को कैपिटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने क्या कहा है, इसमें कोई फिक्स ऐसी चीज नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप क्या करेंगे, आ गया ना? फीस की जगह चार्जेस लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं आप फीस या चार्जेस, ये लीजिए यहाँ पर आप स्लैश करके लिख दीजिए चार्जेस। मैंने वही कहा ना बेटा, आप समझो मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं, अपना दिमाग चलाना है आपको, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आपको सीखना है। इसलिए जरूरी है कि आपको अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको आप यूज कर सकते हो ना। आज मैं अपने ऐड देता हूं, मैं अपने ऐड तैयार करता हूं, तो मैं कहीं बाहर से थोड़ी करवा के लाता हूं, करवा के लाता हूं क्या? नो सर, मैं खुद ही, और मैं बाहर से तैयार करवा के लाऊं तो यही ऐड मेरे को 500 500 रुपये 1000 1000 रुपये में तैयार करके देंगे लोग। अगर मेरे अंदर अगर स्किल है तो मैं लैंग्वेज में अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं ना, क्यों नहीं कर सकता मैं, आप बताओ मेरे को, कर सकता हूं ना? यस सर, ये तो रटने वाली बात होती है, जब रटने वाली बात होती है तब हम कहते हैं कि नहीं, वैसा ही चाहिए हमारे को, तो वो रटना काम नहीं आता ना, पर आप अपने हिसाब से करो ना चीजों को, कौन मना कर रहा है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ये स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ये पर्पज ये है इन चीजों का, केवल 4 नंबर लाने का पर्पज नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर।
बस अब तो काफी आ गया इसके अंदर, अब तो और क्या जरूरत है, मतलब आ गया काफी आ गया अब तो। अब आप क्या लिख दीजिए, कांटेक्ट। कांटेक्ट किससे करेंगे, किसी व्यक्ति का नाम होगा ना, राजेश कुमार गुप्ता। राजेश कुमार गुप्ता, गुप्ता। कांटेक्ट नंबर दे दीजिए आप, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर क्या दे दें आप, दे दीजिए 8562027040। एक और है तो एक आप और दे दीजिए, 9783 86। 9783 62040 30। सर एट कहाँ गया? अरे इसमें कोई जरूरी थोड़ी है, वही नंबर लिखो तुम, पर है तो आपके ना, सही तो करो उसको। अच्छा तुम नहीं मानेगी, ये ले तू मेरा सच्ची मुच्ची का नंबर लिखवा के छोड़ेगी, 9783860, ये ले मैं लिख देता हूँ, देखा जाएगा। 9783860 80। लास्ट से 3 8। ये अब देख ले, चेक कर ले, ठीक है, यस सर, यस इसको भी ठीक कर देता हूँ, ये सर। अब देख ले, अब कोई गलती हो तो बता दो आप, ठीक है भैया, यस अब तो सही है। सर, यस सर, सही है सर। चलो आ गया समझ में आपको, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन कमाई होगी तो बड़े बड़े ऐड आते नहीं है क्या? यस सर, और इसको हाईलाइट कर दो आप, यहां आर कैपिटल कर दो, थोड़ा सा अलग से दिखाई दे, ठीक है ना, क्लियर हो गया? यस सर। ओके।